अब हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस की थीम कैसे बदलते हैं और थीम आखिर होती क्या है अपेरेंस का लफ्स आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुनेंगे uh, जिस तरह आपने सुना होगा कि यू नो अ मैन इज़ एज गुड एज अ मैन लुक्स सो यहाँ पे भी जो हमारा वर्ड प्रेस है वो सामने से कैसा दिखता है वो बड़ा मैटर करता है और इसीलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह से वर्ड प्रेस की थीम्स को यूज़ करते हुए वर्ड प्रेस की अपेरेंस को बदल सकते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू think about what are themes. Themes let you change the appearance of WordPress. Themes say, आप WordPress की front end का जो एक पूरी शकल है, वो बदल सकते हैं. Colors add कर सकते हैं. Features add कर सकते हैं. But the content remains the same. ये याद रहे कि जो भी आपने content डाला में, WordPress has the ability to keep the content same while changing the look and the experience. और इसके लिए आपको कोई कोडिंग लर्न करने की जरूरत नहीं कोई एच टी एम एल कोई पी एच पी यू डोंट नीड टू लर्न एनी थिंग यहां पर शायद आपका एक सवाल आए कि वाई टू चेंज थीम्स थीम्स चेंज करना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर पूरी दुनिया में कलर्स ना होते तो द वर्ल्ड वुड बी वेरी डल सो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे नए नए कलर्स नई नई थीम्स ऐड करें टू मेक इट मोर अपीलिंग टू योर यूजर्स इसकी एक एग्जाम्पल है जिस तरह मोटरसाइकिल है या कोई गाड़ी है मॉडल तो सेम रहता है लेकिन उसके कलर्स चेंज होते रहते हैं इसी तरह अगर आपका मोबाइल फोन है तो आप अपने मोबाइल फोन पर अपने पसंद का रंग या अपनी पसंद की थीम रखना चाहेंगे दैट्स वट वर्ड प्रेस अलाउज यू टू डू बट बिफोर यू चेंज द थीम लुक एट द फ्रंट एंड अपनी वेबसाइट को खोलें उसका यू ब्राउजर में टाइप करें और देखें कि वो एक्चुअली लगती कैसे और जब आप एक दफा उसे देख लें तो आप लॉग इन करके यू गो टू अपेयरेंस थीम्स एंड वहां से आप अपनी वेबसाइट की थीम को बदल सकते हैं उसकी लुक बदल सकते हैं आपको जैसे यहां पर नजर भी आ रहा होगा कि अपेयरेंस और थीम्स में जाने के बाद यू हैव

योर जॉब इज टू चेंज द अपेयरेंस ऑफ द फ्रंट एंड जिस तरह आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया को नजर आएगी इसके कुछ सेक्शन है अपेरेंस के नीचे आपको थीम्स एक सेक्शन नजर आएगा कस्टमाइज एक सेक्शन नजर आएगा विजिट्स नजर आएंगे मेन्यूज नज़र आएंगे हेडर नजर आएगा बैकग्राउंड नजर आएगा वी विल बी टेकिंग यू थ्रू अ लॉट ऑफ डिटेल इन दैट वेन वी गो लाइफ उसके अलावा एक ऑप्शन है जिसमें आप नई थीम्स एड कर सकते हैं थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं सो मेरे साथ रहिएगा बिकॉज वी विल बी गोइंग लाइव टू दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड प्रेस वी नो एज वर्ल्ड प्रेस थीम्स सो अब हम जानेंगे कि हम अपनी वर्ल्ड प्रेस की अपेयरेंस कैसे चेंज कर सकते हैं लेट्स गो टू आर वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट मेरी वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट है डी जी स्किल्स साद हामिद डॉट जीरो जीरो ज़ीरो वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम और आप देख सकते हैं कि इसका डिजाइन थोड़ा डल सा लग रहा है क्यों क्योंकि करंटली इसमें कोई चीज भी नहीं डली हुई कोई इमेज भी नहीं डले हुए कोई कलर्स भी नहीं नजर आ रहे सो वी वॉन्ट टू चेंज द अपीयरेंस एंड लुक ऑफ दिस वेबसाइट एंड वी आर गोइंग टू डू इट विद वर्ड प्रेस थीम्स मैं यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करूंगा एंड एस सून एज आई क्लिक लॉग इन तो आई विल गेट एक्सेस टू माई वर्ड प्रेस डैशबोर्ड वर्ड प्रेस डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड पर आपको नजर आएगा अपीयरेंस वाला एक बटन दिस इज द प्लेस वेर यू कैन चेंज द अपेयरेंस ऑफ योर वेबसाइट सो आई क्लिक ऑन अपेयरेंस एंड यहां पे इट गिव्स मी द ऑप्शन टू सिलेक्ट डिफरेंट थीम्स तो मैं साथ साथ कुछ चीजें ऐड भी करता रहूंगा और आपको दिखाता भी रहूंगा कि हाउ थिंग्स चेंज वेन आई चेंज द थीम सो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये थीम ट्वेंटी के नाम से बल्कि ट्वेंटी नहीं मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है तो आई विल क्लिक ऑन 2017 और मैं एक्टिवेट का बटन दबाऊंगा एंड व्हेन आई क्लिक एक्टिवेट द थीम विल बी एक्टिवेटेड ऑन माय वेबसाइट एंड आपको नजर आएगा कि न्यू थीम हैज बीन एक्टिवेटेड सो विजिट साइट का एक लिंक नजर आ रहा है आई विल क्लिक ओपन लिंक इन अ न्यू टैब और वहां पर जब मैं रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा आई विल बी एबल टू सी दिस न्यू थीम आप देखें कि कैसे विद्लिक ऑफ अ बटन द होल थीम चेंज इसके कुछ और फंक्शन हम यहां पर एक्सप्लोर करते हैं सो लेट्स इफ आई क्लिक ऑन थीम का जो एक बटन है तो मुझे क्या दे रहा है वो मुझे विजिट्स का बता रहा है वो मुझे कस्टमाइज का, का बता रहा है वो मुझे हेडर का बता रहा है वो मुझे मेन्यूज का बता रहा है सो i will click on customize customize को क्लिक करने के दो तरीके हैं आप स्क्रीन के ऊपर कस्टमाइज का बटन भी दबा सकते हैं साइड बार में भी आपके पास कस्टमाइज की एक ऑप्शन है सो so, i'll click on customize एंड यहां पे एक पूरा आ, नया तरह का पैनल खुल गया है जिसको आप देख सकते हैं थ्रू व्हिच i कैन कस्टमाइज वर्डप्रेस और यहां पे बहुत फीचर्स हैं बहुत ऐसी फीचर्स हैं जिनको आप यूज करते हुए अपनी वर्ड वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं सो so, यहां पर आपको कुछ बटन्स uh, भी नजर आ रहे होंगे पेंसिल की तरह के व्हेन यू क्लिक ऑन अलाउज यू टू एडिट दैट एलिमेंट सो लेट मी क्लिक और ये मुझे ले गया एक हेडर वीडियो या हेडर इमेज पे इफ आई वांट आई कैन चेंज दिस सो लेट मी सी इफ आई एम एबल टू चेंज दिस मैं हाइड इमेज पे क्लिक करता हूं तो देखें ये इमेज को हाइड कर देता है और अगर मैं ऐड इमेज पे क्लिक करूंगा तो इट अलाउज मी टू ऐड न्यू इमेज बट फॉर नाउ आई जस्ट कीप दिस हिडन मैं बैक पे क्लिक कर सकता हूँ आई कैन चेंज द कलर्स आई कैन मेक इट डार्क मुझे डार्क थीम ज़्यादा पसंद है तो मैं डार्क पे क्लिक करूँगा आई कैन लुक फॉर अदर ऑप्शन विच विल चेंज माई साइट आइडेंटिटी मैं अपना लोगो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ बट आई वॉन्ट टू चेंज माई साइट टाइटल आई वॉन्ट माई साइट टाइटल टू बी डी जी स्किल्स विद साद हामिद और आप देख रहे हैं कि वर्ड प्रेस में लाइव एडिटिंग हो रही है लाइव वो आपको दिखाएगा कि कैसे मेरी सेटिंग्स चेंज करने पर इधर सामने वेबसाइट भी चेंज हो रही है सो आई कैन गो बैक एंड आई कैन लुक फॉर अदर सेटिंग्स लाइक होम पेज सेटिंग्स और आई कैन लुक फॉर थीम ऑप्शन ये सारी सेटिंग्स आप अपियरेंस से चेंज कर सकते हैं सो आई जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश एंड पब्लिश का बटन दबाने के बाद अगर मैं अपनी साइट को देखूंगा तो यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज बिकॉज नाउ यू हैव चेंज द अपियरेंस ऑफ द वेबसाइट अब आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट की अपेयरेंस चेंज हो होगी सो दैट इजी इट इज टू चेंज द अपीयरेंस इफ यू क्लिक ऑन एक्स तो ये आपको वापस ले जाएगा एंड हियर यू कैन ऐड न्यू थीम्स सो आई क्लिक ऑन एडिंग न्यू थीम एंड यहां पे कोई पॉपुलर थीम्स हैं या कोई थीम्स आप मैनुअली डालना चाह रहे हो आप थीम्स को जिप फाइल से अपलोड भी कर सकते हैं बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल आई विल ट्राई टू अपलोड और सिलेक्ट वन ऑफ द पॉपुलर थीम्स सो मैं पॉपुलर पे क्लिक करूंगा आई विल सिलेक्ट दिस ट्वेंटी थर्टीन थीम एंड आई विल क्लिक ऑन इंस्टॉल अब आप देख रहे हैं कि लाइव इंस्टॉल हो रहा है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं ये लाइव सर्वर से उस फाइल को फैच कर रहा है एंड इट्स इंस्टॉलिंग इट और जैसे ही उसने इंस्टॉल किया आई कैन क्लिक ऑन एक्टिवेट और ये थीम अब मेरी थीम लाइब्रेरी में एड हो चुकी है आई कैन यूज दिस थीम वेनवर आई वॉन्ट टू आई कैन डिलीट दिस थीम वेनवर आई वॉन्ट टू ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि थीम हैज बिन एडेड टू माई लाइब्रेरी इफ आई गो बैक टू माई वेबसाइट एंड आई क्लिक ऑन अपडेट या रिफ्रेश मेरी वेबसाइट की थीम हैज बिन चेंज दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वर्ड प्रेस दिस इज वर्ड प्रेस वट इट अलाउज यू टू डू इट अलाउज यू टू चेंज द थीम विदाउट चेंजिंग द कॉन्टेंट तो आई होप आपने मेरे साथ इस लेसन में सीखा कि वर्ड प्रेस की थीम्स क्या हैं कैसे आप अपियरेंस चेंज कर सकते हैं कैसे आप नई थीम्स एड कर सकते हैं और कैसे कैसे आप थीम्स के साथ अपनी वर्ड प्रेस की लुक एंड फील को बदल सकते हैं